संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में। एक सौ उनसठवीं गाथा चल रही है। अपन टीका आरंभ करनी थी, एक सौ उनसठवीं गाथा की टीका आरंभ करनी थी। गाथा में तो कहा गया है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानात्मक है, और अन्य द्रव्यों के प्रति वो मध्यस्थ होकर शुभ अशुभ उपयोग से हटकर उसमें न रहकर अपने उस आत्मा का सदा ध्यान करे, ये मार्ग है। अब इसके लिए अपन टीका पढ़ते हैं, जो इसी पेज पर 317 पेज पर सबसे नीचे की पंक्ति से आरंभ होती है। बहुत सरल प्रकरण है, बात ये चल रही है कि बंध कैसे होता है। तो चार द्रव्यों में आकाश काल और धर्म अधर्म, इनमें तो परस्पर बंध होता ही नहीं है, और उनका भी जीव पुद्गल के साथ भी कोई बंध नहीं होता, माने उनमें कोई बंध का संबंध ही नहीं है। कर्म का भी उनसे कोई संबंध नहीं है। अब जीव और पुद्गल ये दो हैं, तो पुद्गलों का पुद्गलों के साथ जो बंध होता है उसके स्कंद कहते हैं। और वैसे पुद्गल तो जैसा काल द्रव्य एक प्रदेशी है ना, पुद्गल का परमाणु भी एक प्रदेशी द्रव्य है, पर वो स्कंद बनने की उसमें क्षमता है, काल में नहीं है। दो काल द्रव्य यद्यपि एकदम सटे हुए हैं, पर आपस में बिल्कुल मिले हुए नहीं है। सटे हुए और मिले हुए का अंतर तो समझ में आ रहा ना। उन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है कि आकाश का कुछ प्रदेश बीच में खाली हो, एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है। इसलिए तो वे सटे हुए हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना, और बिल्कुल भी उन दोनों में आपस में संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए मिले हुए नहीं हैं। रेल की पटरी है और उसमें 50-50 फुट के लंबे वो गाटर बिछाए जाते हैं, लेकिन उन गाटरों में थोड़ा अंतर रखा जाता है, क्योंकि गर्मियों में वो पिघलते हैं तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, और सर्दियों में सिकुड़ते हैं तो थोड़े कम हो जाते हैं। यदि वो गुंजाइश नहीं रखें वहाँ उनकी, तो फिर वो आपस में टकराएंगे तो एकदम ऐसे ऊपर को उठ जाएंगे, जब वो चौड़े होंगे ना तो भी टकराएंगे, तो दोनों ऐसे ऊपर को उठ जाएंगे, तो वो नहीं उठें। और उनमें जो वो पेच लगे रहते हैं ना, जिनकी तरह से वो कसे रहते हैं, उनमें भी वो छेद कुछ बड़े रखते हैं, क्यों बड़े रखने से निकल तो नहीं जाएंगे ना, वो तो बड़ा है पेच तो, लेकिन वो ज़रूरत पड़े और सिकुड़ें थोड़े तो वो यहाँ के वहाँ होना पड़े तो वे हो जाए, इतनी गुंजाइश रखते हैं। अभी अपन को यहाँ उदाहरण लेना है, तो उदाहरण समझ लीजिए कि हमने दोनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रखा, और इस तरह से सेटिंग किया कि पता ही नहीं चलता दूर से देखने पर कि ये कोई दो चीज़ें हैं कि एक ही हैं। रेल का पहिया तो उनमें एक इंच का फर्क होगा तो भी निकल जाएगा, ज़मीन पर गिरने वाला नहीं है, और वे दोनों बिल्कुल झुके हुए होंगे तो भी कुछ ऐसी विशेष सहायता उसे मिलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो वो बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं, और मिले हुए देखने से बीच में कुल अंतर दिखाई नहीं देता। लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं ना,
तो होशियार कारीगर हों तो इतना बढ़िया सेटिंग करते हैं कि आपको ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि इन दो लकड़ियों में जोड़ है वो कहाँ है। आँख से देख के नहीं बता सकते आप, अपने विवेक से जानते हैं कि एक लकड़ी यहाँ से आई एक यहाँ से आई तो इनमें इस पॉइंट पर जोड़ होगा, है ना, लेकिन वैसे पता नहीं चलता। तो ऐसे ही दो काल द्रव्य के दो परमाणु, कालाणु जिसे हम कहते हैं, वे एकदम स्पेस बीच में नहीं है, फिर भी दो द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हैं। तो उनके अलग अलग होने का क्या, अलग अलग होने में क्या गवाह है? तो कहते हर एक के में अनंत गुण हैं, तो अपने गुण हर एक के अलग अलग हैं, हर एक की सब चीज़ अलग अलग हैं, तो अलग अलग नहीं है। और स्कंद होने की उनमें क्षमता नहीं है मिलने की, तो इसलिए काल द्रव्य में भी बंध नहीं होता। पुद्गल में दो पुद्गल के परमाणु आपस में मिल जाते हैं और उनकी बंध की प्रक्रिया अपने करुणानियों के शास्त्रों में बताई है, और वो है ना कि दो परमाणु अधिक हों, जघन्य परमाणु ना हों, जो अपने तत्वा सूत्र के दो पांच सूत्र हैं उनका वर्णन दूसरी जगह भी है, और रूक्ष से रूक्ष के साथ स्निग्ध का, स्निग्ध के साथ रूक्ष का बंध होता है। तो बंध के कारण जो पुद्गल के स्पर्श गुण हैं ना आठ, उनमें जो स्निग्ध और रूक्षत्व है ना, वो बंध के कारण माने जाते हैं। दोनों मिलने में जो हेतु बनते हैं वो स्निग्ध और रूक्षत्व गुण बनते हैं, बाकी के गुण नहीं बनते हैं। तो अब आत्मा का बंध भी उन्होंने इसी प्रकार से समझाया है कि आत्मा का जो राग है वो चिकनाई है, स्निग्धता है, और देश है वो रूक्षता है। उदाहरण समझे, कोई राग में कोई चिकनाई है ऐसा नहीं है, और देश में कोई रूक्षता है ऐसा नहीं है। अब ये अपन भी देखते हैं ना कि दो रूक्ष परमाणु हैं, रेत है, दोनों रूखी है एकदम, तो वे आपस में मिलते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं। चीनी के दाने आपस में चिपकते नहीं हैं, अलग अलग दाने दाने रहते हैं, क्योंकि वो रूक्षता है। और स्नेग्ध में तो जैसे घी है तेल है तो वे भी नहीं चिपकते हैं, एक साथ रहते हैं। स्निग्ध से स्निग्ध का और रूक्ष से रूक्ष का बंध नहीं होता है, लेकिन एक स्निग्ध परमाणु हो दूसरे में रूक्ष हो तो उनमें बन जाता है। तो होते तो हर एक में ही आठ हैं, तो कहते इस वो कम ज़्यादा होते हैं, तो कहते स्निग्धता दो अंश कम हो, रूक्षता दो अंश ज़्यादा हो तो उनमें बंध हो जाएगा। जो नियम सब बताए हैं इसमें, मैं उनका स्वरूप आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे पुद्गल में होता है समान जाति द्रव्य पर्याय का बंध है, वो स्निग्ध बनते हैं इसलिए व्यवहार से उसे अस्थिकाय कहते हैं। लेकिन जैसे जीव में भी राग देश इसकी स्निग्धता और रूक्षता हो तो उनमें बंध होता है। और उनमें भी वैसे भी बारीक नियम भी लगाए जा सकते हैं कि दो परमाणु अंश अधिक हों, ज़्यादा हों, कम हों, कैसे हों, तो उनमें बंध होता है। लेकिन जीव में और पुद्गल में दोनों में परस्पर भी बंध होता है, और पुद्गल में और पुद्गल में भी परस्पर बंध होता है, पर दो जीवों में आपस में बंध नहीं होता। क्या बात है, एक शरीर है ना नेगोदिया का, बहुत सूक्ष्म है, उसमें अनंत जीव रहते हैं, तो उनके जो प्रदेश हैं बिल्कुल चिपके ही है ना, क्या क्यों क्षेत्र ही एक है, तो प्रदेश चिपके हुए हैं फिर भी वो बिल्कुल जुदे जुदे हैं। देखो एक गिलास में पूरा चीनी रखो, पूरा मुँह से भर दो बिल्कुल ऐसी सपाट, क्या अब इसमें
दो दाने और डालने की अब गुंजाइश नहीं है, ऐसा सपाट कर दिया, भर दिया चीनी। अब उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली जा सकती, लेकिन वो एक गिलास पानी धीरे धीरे डालो तो पूरा एक गिलास पानी भी उसमें चला जाता है। अब वो जगह खाली है कि भरी हुई है? यदि वो भरी हुई है तो पानी कैसे चला जाता है, उसमें बन जाता है। और खाली है तो और चीनी क्यों नहीं बनती है? क्या चीनी के लिए जगह खाली नहीं है और पानी के लिए जगह खाली है? क्यों? एक स्निग्ध है, एक रूक्ष है, समझ गए ना। अब रूक्ष के लिए जगह खाली नहीं है, वो स्निग्ध जो पानी है वो सब उस रूक्ष के हर प्रदेश के अंदर 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 घुस जाएगा। अब वो बिल्कुल एक एक परमाणु में दूसरे का पूरा परमाणु ही है ना, पुद्गलो पानी तो मैं प्रवेश कर गए ना, पानी के परमाणु उस चीनी के परमाणु में प्रवेश कर गए तो फिर मिल गए एकदम अब तो। लेकिन मिल गए का उन पे अग्नि पे रखो तो पानी उड़ जाता है और वो बची रहती है। फिर अपन उसे पानी में रख के गर्म करते हैं और फिर घोटते घोटते हैं तो उसका बूरा बना लेते हैं ना, माताएं बहनें बनाती हैं ना शोध का करने वाली, तो फिर भी परमाणु के परमाणु में अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी उड़ गया। अब ये आपको समझ में आया होगा कि वे एक मेक हो भी गए और बिल्कुल भी मिले नहीं। अब इसको हम क्या कहेंगे, कथनचित मिल गए और कथनचित नहीं मिल गए? और जय जैन दर्शन का जो अलग अलग दो दृष्टिकोण है, जिसे हम अनेकांत कहते हैं, सयादवाद कहते हैं, है ना, कि अभी अब की जगह है कि नहीं है। जैसे कि लोग पूछते हैं क्यों साहब कि अभी आपके टोड़ा में स्मारक होन में जगह होगी, किसको चाहिए, काय के लिए चाहिए, आप बताओ, होना तो बता दो है कि नहीं हो, तो बता दो कि नहीं है। ये हमसे क्यों क्रॉस क्वेश्चन करते हो? कह रहे भाई साहब अब विद्यार्थी तो ओवर हो गए, 35 भर्ती करने थे और 60 भर्ती कर लिए, इसलिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो फिर आपने तो कही थी कि जगह है, कि चपरासी की जगह खाली है, भेज दो, आप किसको भेजना है, क्यों है कि नहीं है? यानी बिल्कुल जगह नहीं है और जगह है, ये दोनों बातें एक साथ हैं कि नहीं है? तो ये जो विभिन्न पक्षाओं से वस्तु के स्वरूप को समझने का दृष्टिकोण है, वो जैन धर्म का एक बहुत अद्भुत अनुसंधान है। अब इतनी बात मैंने आपको यहाँ क्यों सुनाई, क्योंकि इसमें वही बताने वाले हैं, वो उसे अभी इसमें ज़्यादा मैं भाषण नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा। देखो, परद्रव्य के संयोग के कारण रूप में कहा गया जो अशुद्धोपयोग, देखो फिर अशुद्धोपयोग को परिभाषित किया, लेकिन ये नहीं कहा गया अशुद्ध है उपयोग जिसके, ये नहीं कहा गया कि जो परद्रव्य के लक्ष्य से हुआ है, कि जो राग द्वेषात्मक है। क्या कहा? कि परद्रव्य के संयोग के कारण रूप, क्या पहले बताया था ना कि अशुद्धोपयोग होता है तो परद्रव्य का आत्मा के साथ बंध नहीं होता, और अशुद्धोपयोग होता है तो बंध होता है, क्योंकि राग द्वेष की चिकनाई उसमें होती है तो कर्म का बंध होता है, कारमान वृणाएँ बंधती हैं। तो अब कहते हैं हम यहाँ पर अशुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं, तो कौन से अशुद्धोपयोग की? कि परद्रव्य के संयोग से कारण रूप में जो कहा गया है, कि परद्रव्य के संयोग का कारण जो अशुद्धोपयोग है, माने राग द्वेष हैं, शुभ अशुभ भाव हैं। अब कहते नहीं नहीं शुभ से तो पुण्य बंध होता है इसका, अभी बंध कौन सा होता है इसकी बात नहीं है, अभी तो स्वरूप बंध होता है, अभी तो हमें इतना बताना है कि बंध होता है कि नहीं होता है। तो अशुद्धोपयोग बंध का कारण है, शुद्धोपयोग बंध का कारण नहीं है, उसे ऐसा भी कहते बंध का अकारण, ऐसा भी कहते। ये तो भाषा के प्रयोग हैं, जैसी जहाँ आवश्यकता होती है उस तरह
छंद का अनुरोध भी होता है, अलंकार आदि का अनुरोध भी होता है, और न्याय की युक्ति का अनुरोग भी होता है। न्याय की भाषा अपने बिल्कुल अलग होती है ना। अन्यापोहे बोलते हैं ना, अन्यापोहे जानते हैं आप लोग? अन्य का अपोहे माने अन्य का नहीं होना। जैसे किसी ने पूछा कि आपके पास 10,000 रुपया होंगे, तो वो सामने वाला ये नहीं कहता कि हैं कि नहीं है। सीधा सच्चा जवाब तो यही है ना कि हाँ हैं और ये कि नहीं है, भाई दो ही हो सकते हैं ना, क्योंकि या तो रुपया आपके पास होंगे और या नहीं होंगे। तो आप कहते हैं बोलो काय के लिए चाहिए, आप बताओ ना रुपये हैं कि नहीं है। वो बहस करता है कि आप ये बताओ पहले कि हैं कि नहीं है, तो फिर मैं काम बताऊं। कि हम कह रहे हैं ना काम बताओ ना रुपए की क्या कमी। अब देखिए ये एक क्या कमी क्या है, रुपए हैं ये कहने में क्या दिक्कत है, क्या और कमी, यानी कोई कमी नहीं है, मैंने हैं ऐसे ही अर्थ हुआ ना। लेकिन वो कहे नहीं नहीं है नहीं, क्या कमी, क्यों ऐसा बोला। उसके पीछे ये रहस्य है कि यदि उसे देना हो तो बाद में कह दें हैं, और नहीं देना हो तो बाद में कह दें नहीं है। तुम बताओ कारण, कारण के हिसाब से तुमको ऐसा क्या क्या होता है, देखो समझना कि नहीं देना। तुम व्यक्ति के आधार पर निर्णय कर लो कि इसे देना है कि नहीं देना है कि नहीं। यदि बैंक में पैसा लेने गए और तुमने कहा हमें एक कारखाना खोलना है, और कारखाने खोलने के लिए गवर्नमेंट ने नीति की घोषणा की कि सबको कर्ज देना 75% 80% उनके कारखाने खुलवा देना, उसके लिए कर्ज देना, और वो क्या लड़की की शादी करना है उसके लिए चाहिए कि उसके लिए कर्ज नहीं देना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्या कारखाना खोल जड़ कारखाना खोलने के लिए तो देना, और लड़की की शादी के लिए नहीं, लड़कियों के साथ ऐसा खोटा व्यवहार। वो कहते हैं कि कारखाना खुलेगा तो उससे कमाई होगी, कमाई होगी तो वो कर्जा चुक जाएगा, तो पैसा ब्याज सहित वापस आ जाएगा, और लड़की की शादी में तो जाके खर्च हो जाने वाला है, उसके पास कमाई तो है नहीं, कमाई होती तो उसी के पास जुड़ जाता अभी तक। अब उतना पैसा हमने दे दिया जो कमाई है ही नहीं, कमाई सिर्फ इतनी है कि दो रोटियां मुश्किल से चलती हैं, तो वो तो पैसा गारंटी से नहीं आता है। आप लोग तो बहुत गांवों में रहते होंगे, आप जानते हैं गांव वालों का पैसा जो भी कर्जे में देते हैं वो आधा डूबता है, वो बैंक का नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि वो जो देता है वो शादी के लिए देता है, समझ गए ना। अब जाके स्टडी करना अपने अपने गांव में, तो शादी का कर्जा तो आने ही वाला नहीं है, उससे रिश्तेदारी भी खत्म होने वाली है। क्यों? कि झगड़ा होगा, पैसा नहीं आएगा तो झगड़ा होगा तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, आना जाना बंद हो जाएगा, बोलचाल बंद हो जाएगी, समझ में आई ना आपकी में। लेकिन बैंक कहता हम तो शादी को देते ही नहीं, क्योंकि ये तो फालतू का खर्चा है, जाके खर्चा कर देगा, कमाई है नहीं तो पैसा आएगा नहीं, नहीं? अब वो कहता वो तो बहुत जरूरी है शादी, शादी फालतू का खर्चा कहाँ है, बैंक कहता फालतू का खर्चा है। अरे शादी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा लोगों को, वो कर्जा नहीं मिलेगा तो बिना पैसा के भी शादी होती है, अदालत में चले जाओ, जज के सामने दोनों जने प्रतिज्ञा कर लो, जो जो 10-20, 100-200 रुपया लगती होगी फीस, बस शादी हो जाती है और वो पक्की होती है। वो जो तुम करोगे ना लाखों रुपया खर्च करके, वो शादी पक्की नहीं है, वो तुम्हें अदालत में जाके अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा,
नहीं तो तुमको तब तक शादीशुदा नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा, हमें तो किसी को ऐसा करते देखा नहीं, तुम्हें क्या पता। यदि उस वक्त उसकी पति का स्वर्गवास हो गया तो पति के नाम का जो बीमा है ना, वो पत्नी जाके कहेगी कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे दे दो। वे नहीं देंगे, शादी का रजिस्ट्रेशन लाओ, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम उसकी पत्नी हो। हम कैसे माने कि हमारी शादी हुई थी कि हम नहीं जानते। पुराने ज़माने में तो कार्ड दिखा देते थे तो काम हो जाता था कि देखो ये कार्ड छपा हुआ है। ये कार्ड क्या, तुम अभी जा करके अदालत में छपा लाओगे प्रेस में। 25 कार्ड छपा सकते हैं अपन, क्यों अलग अलग शादियों के, आप समझिए। तो वो नहीं मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन असली शादी तो वो ही है। समझ में आया ना। और ये माँ बाप अपने शौक में इस चक्कर में मुफ्त में ही लाखों का कर्जा कर लेते हैं, खुद भी रोते हैं सारी जिंदगी, और वो बेटे भी मैं बहू भी रोते हैं, क्या जरूरत है तो करने किसा भी। बहुत लोग बहुत करते हैं, तो जो है वो करते हैं, करने दो। सबसे कर्जा मिलना बंद हो जाए, गांव के लोग भी कर्जा साहूकार भी देना बंद कर दें और बैंक भी नहीं दें, तो झकमार के सब करेंगे ही ना। 5 आदमी जाएंगे और फेरे पाड़ के ले आएंगे, तो शादी पक्की के कच्ची। 1 लाख रुपए का बैंड ले जाओ शादी में, तब शादी पक्की होती है। और ये वो शहरिया है, वो एक थाली उठाता है और अपने हाथ में ऐसा करता है और बाजे बज गए और हो गई शादी। आप समझे, उसके पीटने में भी शादी हो जाती है, समझ गए। शादी तो वो छोटा, मैं तो उदाहरण दिया करता हूँ ना कि शादी की सामग्री लिखा दो कि एक लड़का और एक लड़की और दोनों की सहमति, बस हो जाएगी शादी। क्या है? क्या सामग्री है कि और कुछ नहीं, हो जो ले आना, हो तो ले आना, नहीं हो तो चले। केसर नहीं हो तो हर श्रृंगार के फूल ले आना, करते हो ना आप, चला लेते हो काम के, नहीं चला लेते हो। तो ये हमने व्यर्थ के खर्चे अपने माथे पे ओढ़ रखे हैं। मैं कोई समाज सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि वो बैंकों का कर्जा क्यों आता है वापस और आपका बनिया का कर्जा क्यों वापस नहीं आता। क्योंकि बनिया में इतनी अकल ही नहीं है, वो खेत खरीदने के लिए देवे, वो भैंस खरीदने के लिए देवे। ये बैंक और गवर्नमेंट भैंसें खरीदने के लिए तो देती है कर्जा और बेटी की शादी के लिए नहीं देती, क्योंकि भैंस तो दूध देगी, दूध देगी तो वो दूध जाकर के डेयरी वाला आके ले जाएगा तो रोजीना नगद रुपए आएंगे क्या, वो 2-5 साल में बैंक का कर्जा चुक जाएगा, उसी के अनुसार किस्तें रखेगा। तो ऐसे ही जो बंधकी प्रक्रिया है वो भी एक सुव्यवस्थित है, बस इतनी सी बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। क्या हम कोई इससे रूखा होगा और रूखे से चिकने के साथ बंद होता है शांति जी, तो फिर थोड़ा हम इसे रूखा करें, इसे चिकना करें, तो एक कर्म बांधना है ना, तो थोड़ा आत्मा को रूखा करें क्या। तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तो तुम्हें राग देश होते हैं तो वो रूखा चिकना अपने आप हो गया, और उससे ज्ञान वो जो कर्म की कारमान वैगणाएँ हैं वो अपने आप बन जाएंगी। और वो बहुत सुनिश्चित प्रक्रिया है कि कितनी बनेंगी, तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण, कितनी खिरेंगी एक समय प्रबद्ध प्रमाण, तो साथ में हमेशा कितनी रहेंगी कि देवड़ विरुद्ध हानि प्रमाण क्या है, ये नक्की है क्या, नहीं इतने आएंगे फिर उनका प्रदेशों का प्रकृति रूप बंटवारा होगा है? फिर बंटवारे में हर एक की कर्म की स्थिति पड़ेगी, फिर अनुभाग का रस पड़ेगा, फिर वो सत्ता में जाएंगे, फिर आबादा काल पूरा होगा। वो सारी प्रक्रिया में तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तो होती है,
इस तरह होती है क्या? तो कहाँ से शुरू हुआ था? अशुद्धोपयोग से। अशुद्धोपयोग से राग द्वेष मोह होगा, फिर वो जो प्रक्रिया बताई ना, वो प्रदेश आएंगे, फिर बंधेंगे, फिर प्रकृति, फिर स्थिति, फिर अनुभाग, ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। तो अब तक हम क्या करें? ये तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तो हम बता रहे हैं ना कि तुम तो वो अशुद्धोपयोग नहीं करो तो बढ़िया है। माने तुम्हें अशुद्धोपयोग ना हो तो बस काम खत्म। तो तुम्हें तो नहीं करना करना है, देखो समझ गए। उस बंध को करने में और बंध को नहीं करने में तुम्हें क्या करना है? कि बंध को करने में तो अशुद्धोपयोग करना पड़ेगा ना। बंध नहीं करना है तो अशुद्धोपयोग नहीं करो। क्यों? कि नहीं करना पड़ेगा है? तो कहते हैं तुम तो शुद्धोपयोग करो। क्या? तो अशुद्धोपयोग अपने आप नहीं होगा। अब नहीं करने का नहीं रह गया ना कुछ। अब शुद्धोपयोग करो कि क्या करें शुद्धोपयोग के लिए? उपवास करें कि व्रत करें कि तीर्थ यात्रा करें कि सुबह 5 बजे दौड़ें? क्या करें? कि कुछ नहीं करना है। बिल्कुल मध्यस्थ भाव हो जाए, जो होना है उसे होने दो, बिल्कुल सहज ज्ञाताधिष्ठा हो जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो, जान दो, तो शुद्धोपयोग हो जाएगा। आपने हो गया जाएगा, हो गया, उसी का नाम तो शुद्धोपयोग है, उसे अलग क्या होना है? समझे? कि झगड़ा हो जाएगा क्या? हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो जब अंदर से जो राग के तंतु टूट गए किसी भी निमित्त पाकर, तो झगड़ा हो गया। कभी लड़े तो है ही नहीं। झगड़े के लिए लड़ना ही जरूरी नहीं है, कुछ लड़ते भी हैं, कुछ बिना लड़े ही झगड़ा हो जाता है। क्यों? तो ये प्रक्रिया बता रहे। देखो, परद्रव्य के संयोग के कारण रूप से कहा गया जो अशुद्ध उपयोग वस्तुतः मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से प्रवर्तित होता है, अन्य कारण से नहीं। इसलिए मैं समस्त परद्रव्यों में मध्यस्थ होता हूँ। देखो, परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से, ये गुरुदेव की पकड़ कितनी सूक्ष्म थी। एक वहाँ छपी एक किताब थी शांति जी, तो उसमें पुरुषाशुद्धि उपाय का एक छंद इधर छपा रहता था पहले, समझ गया ना? और वो छंद क्या आप करे परिणामयी, बोलो पढ़ो। हाँ, कर्म के तई भावई असमाह तोपी प्रतिभाति बालिशानाम सएव खलु बंद कर्म बीज। समझ गए ना? खलु कर्म, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आ जाएगा। कि कर्म के तई भावई असमाह तोपी, माने वो कहते कर्म के भावों से असमाहित होने पर भी वो बेपुरगल के परमाणु अपने आप बनते हैं। ये आत्मा में जो अपने आप होता है, माने तुझे उसमें करना कुछ नहीं है। कि तूने राग किया इसलिए बंद नहीं हुआ, कि तुझे राग हुआ इसलिए बंद हुआ। कि तुम तो एक कान यहाँ से पकड़ो था यहाँ से पकड़ो, आखिर वो राग तो खड़ा ही रहा ना, लेकिन तूने तो किया, तूने तो अपने माथे पे बोझा ले लिया और वो कह रहे राग हुआ। हर चीज की गहराई में जाओ तो हुआ निकलता है किया से। ये जो रागी जीव है ना, ये भी कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये यही बोलते हैं ना। और कब हो गया कि मुझे पता नहीं, हम तो ऐसे मिलते थे, बातचीत करते थे, और वो कब प्रेम में बदल गया? एक क्लास में पढ़ते थे, हमें तो पता ही नहीं कि कब वो अंदर हम दोनों में प्रेम पनप गया। शुरू कैसे हुआ कि हमें पता नहीं, बस हो गया।
मैंने जब पता ही नहीं है तो किया क्या। और कुछ लोग कहते हैं कि उसमें क्या है, साइकिल से साइकिल टकराई, आँखों से आँखें टकराई, दो तीन टक्करें हुई और हो गया। मुझे ऐसी भाषा भी दे सकते हो, बात तो एक ही है, भाषा मतलब वो भी हुआ होता है। माने हुआ में और किया में क्या फर्क है, हुआ में एक सहज परिणमन है और किया में टेंशन है। हुआ प्लस किया, हुआ प्लस टेंशन इक्वल टू किया है? आप समझिए ना, तो हम तो क्या कहें, हम टेंशन निकाल रहे हैं आपका, बस वो टोटल दौलत राम जी का वो छंद बोलते हैं ना, वरुणादि अरुरागादि तें, कि न्यारा किया नहीं, न्यारा हुआ। हम ऐसे कहते न्यारा जाना, माने हुआ भी नहीं, हम हुए में भी क्यों चेटे हैं? वो पुद्गल का काम तो पुद्गल में हो गया, टोटल राम जी कहते हैं, हमने तो सिर्फ जाना है। तो हम तो उस ज्ञान क्रिया के करता हैं। उनने वहाँ जो ये कहा कि विकल्प का परम करता विकल्पा कर्म केवलम, तो वहाँ तो विकल्प का करता, करने के विकल्प का करता स्वीकार किया है। उसके आगे के स्टेप में तो वो नहीं हुआ, वो किया होगा, हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, हमने तो जाना है। तो हम फिर विकल्प करेंगे तो विकल्प रूप क्रिया के करता होंगे, और जानेंगे तो ज्ञान रूप क्रिया के करता होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको तो करने की इतनी तीव्रता लग रही है कि कुछ ना कुछ बताओ तो मैं करूं। वो कहते कुछ नहीं करना पड़ेगा, जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे हो जाएगा फिर जानना? कहते जानना तो स्वभाव है आत्मा का, समझ गए ना। अग्नि का को जलने के लिए क्या करना पड़ता है? वो जलना बंद हो इसके लिए तो बुझना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। अग्नि अग्नि जलना तो अग्नि का स्वभाव है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। एक 5 वर्ष के बच्चे को 25 वर्ष का होने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, कितनी व्यायाम करनी पड़ती है, कितना क्या क्या करना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है, बोलो। तुम 5 वर्ष के थे और 25 वर्ष के हो गए, तो तुमने क्या क्या किया 25 वर्ष का होने के लिए? सिर्फ ओनली सिर्फ 25 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, आप समझिए ना। फिर 25 वर्ष में तुम 25 वर्ष के ऑटोमेटिक हो जाओगे, बस उसे जान लेना। अब तुमको ज़्यादा ही लुकलुकाहट लगी हो तो एक एक समय जान लेना कि अब मैं 5 वर्ष और 1 दिन का हो गया, अब मैं 5 वर्ष और 2 दिन का हो गया, अब मैं 5 वर्ष और 3 दिन का हो गया। ऐसे रोज़ रोज़ गिनते रहना, तो 20 वर्ष बर्बाद करना हो तो ये करते रहना, और नहीं तो तुम नहीं भी गिनोगे ना तो भी 25 वर्ष में 25 वर्ष के हो जाओगे। बैंक में तुमने पैसा जमा करा दिया और रोज़ाना 5 रुपया रोज का ब्याज मिलता है आपको, तो आपके इतने दिन के लिए जो FD कराई है उसके बाद इतने पैसे मिल जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है 5 साल तक? तो और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो वहाँ सिर्फ रोज ही ना जान सकते हो, तो जानते रहो उसे। तो जानते रहने के क्या करोगे? तो जानते रहने से थोड़े मतलब पैसा बढ़ जाएंगे कि नहीं? सुरक्षित तो रहेंगे, पता रहेगा हमें तो सुरक्षित रहेंगे। क्यों? कि उससे कोई मतलब नहीं है सुरक्षित रहने का नहीं रहने का, तुम्हारे जानते जानते भी लुट सकते हैं, तुम्हारे नहीं जानने पर भी कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए आप? तो अब उसमें समय शक्ति जानने में भी खर्च करना ये कौन सी सहज समझदारी है? तो फिर वो ज्ञान को हम बचा के क्या करें, फिर कहाँ ले जाएं? फिर ये कम पड़ गया। इसलिए तुम छोड़ो ना, वो ज्ञान अपने ज्ञेय को
स्वयं ही नक्की करके लाया है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा अच्छा, नक्की किसने किया? क्यों हम उसके पास जाएं? है वो कब हुआ था नक्की? कितने साल पहले नक्की हो जाता है? बोलो गैला जी, कि अनादि काल पहले से नक्की हुआ है, वो किसी ने किया नहीं है, किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बात आपको समझाई, ये तत्व ज्ञान है कि नहीं, और ये हमारी आकुलता को कम करने वाला है कि नहीं है? लोग तो कहते हैं हर रेखाएं टर नहीं होता है, समझे, हर रेखाएं टर नहीं होता, समझ में आई नहीं? किसी ने कहा कि तेरे पेट में गड़बड़ होती है ना, तो तू हर रेखा ली, हर समझते हो, हर बहेरा औला, तो उसने ऐसी हर खाई, टर तो हुए ही नहीं। अरे उसे पेट में जाने दे, समय लगने दे, होगा। तो उसे बोलते हर रेखाएं टर नहीं होती, माने वो तत्काल नहीं होगी। तो कब होगी? फिर क्या जवाब है आपके पास? सौ समय में होगी। उसकी सारी प्रक्रिया है, सौ समय में क्या क्या होगा, और सौ समय में जो तू चाहता है पेट साफ होगा, तो वो सौ समय आएगा और वो भी हो जाएगा, वो भी तुझे कुछ करना नहीं है, है? तो एक एक समय की पर्याय का वो जानना भी है, वो भी सुनिश्चित है। तो तुझे ये भी नक्की नहीं करना है, और तुझे जानने के लिए भी कुछ नहीं करना है। वो जानने की क्रिया उस समय सहज हो जाएगी। नहीं नहीं, वो तो हो जाएगी, लेकिन यदि मैं उस वक्त नींद में रहा और सो गया तो वो समय चूक जाएगा, जब वो जानना होना था ना। क्यों भाई साहब? तो वो समय चूक जाएगा, और फिर दोबारा तो समय आएगा नहीं, क्योंकि दोबारा समय में तो दूसरे को जानने का होगा। तो वो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी कि नहीं चूकेगा, कि मैं सोता रहूँगा तो भी कि सपने में हो जाएगा। सपने में राजपद प्राप्त हो जाता है ना, सपने में राजपद पाया है? जैसे नहीं मिलता है तो सपने में भी बन जाता है राजा। जैन धर्म कितना गजब है, मैं तो जो सोचता रहता हूँ ना, तो मुझे बहुत आनंद आता है। कितनी निश्चिंताई है, कितनी सहजता है, हैं? तुमने कुछ किया है? तुम अभी हम तो शुरू कर दें, वो हर एक अपना सुनाओ, वो पाँच मिनट का प्रतिबंध नहीं है, एक एक घंटा जितना सुनाना हो सुनाओ, फिर देखो सब। मैं तो, हमारा तो विचार ही नहीं था, हमारा तो उसमें जाने का विचार था। मम्मी तो ये कहती है डॉक्टर बनाएंगे, पापा तो ये कहते हैं ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ना मालूम यहाँ कैसे आ गए, अंत में ना मालूम हम कैसे आ गए। होता कि हर एक की कहानी है ऐसी, मैं कहता हूँ राजाओं का इतिहास लिखा जाता है, होता सबका है, सबके घर में मंथन हुआ है, सबके घर में मीटिंगें हुई हैं, सबके घर में विचार विमर्श हुआ है, सबके घर में गुण दोष, उसके गुण दोष पर विचार हुआ है, ऐसे ही थोड़ी आ गए। कल शांति जी समझा रहे थे ना कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला होता है। आप समझ, निमित्त उपादान समझाया था ना, कि ये मिट्टी घड़े का उपादान है, वो तो त्रिपकाली उपादान, वो तो सिर्फ ये बताती है कि जब घड़ा बनेगा तो मिट्टी में से बनेगा, मिट्टी का घड़ा मिट्टी में से बनेगा, अकेला घड़ा नहीं बोलना, क्या बोलना, क्योंकि तुम सोने का घड़ा मिट्टी में से बनाओ तो कैसे बन जाएगा। है ना, कि मिट्टी का घड़ा में इतने, इससे कुछ, इससे ज़्यादा उसका कुछ नहीं है, क्या करें फिर, कि कैसे बनेगा। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का बहुत लंबा सिलसिला है। तब मोटा मोटा गिनाऊ में थोड़ा, कि वो वहाँ मिट्टी खदान में पड़ी होगी, फिर वो कुमार वहाँ से खोद के लाएगा, फिर उसको ये करेगा, फिर उसको गूंथेगा, नींदेगा, फिर पैरों से खुचलेगा, फिर उसके कंकड़ पत्थर निकालेगा, फिर पिंड बनाएगा, फिर कुमार चक्के पे घुमाएगा, समझ गए ना। वो सारी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का बहुत लंबा सिलसिला है।
देखना है तो विद्यासागर जी की एक किताब है, क्या नाम है, मूक माटी में पढ़ा दूं तुम्हें पूरी 400 पेज की किताब, 2 मिनट में पढ़ा सकता हूं, पढ़ना। उसमें ये है कि बेचारी मिट्टी तो मूक है, बोलती नहीं है कुछ, तो उपादान तो बेचारा मूक है, कुछ बोलता नहीं है। जब तक कुमार नहीं मिले और वो कुमार भी ऐसा कि उसको खोदे, फिर मले, फिर पैरों से रूंधे, फिर अच्छी पिटाई करे, फिर उसको मुलायम बना दे, फिर चक्के पे घुमाए और ऐसी हालत कर दे, फिर अग्नि में तपाए, तब घड़ा बनता है। माने जब तक निमित्त उसकी अच्छी पिटाई नहीं करेगा तब तक वो उपादान सीध में नहीं आता। इसलिए जिन हम लोग इन उपादानवादियों की जब तक अच्छी पिटाई नहीं करेंगे, इनकी समझ में निमित्त उपादान नहीं आएगा। बस इसका नाम है मूक माटी। PhD हो गई, ये रिसर्च किसी ने नहीं की होगी उसमें। और आप पढ़ लेना तुम, और मैंने जो बताया है उसे ध्यान में रखना, तो तुम्हें दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। क्या फिर वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का सिलसिला होता है ना, वो ऐसी घड़े वहां पड़ी हुई मिट्टी एकदम ऐसा घड़ा नहीं बन जाएगी, उसमें इस पर्याय का अभाव, फिर नई पर्याय आएगी, फिर इस पर्याय का अभाव, फिर नई पर्याय आएगी। तो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का अभाव, तो पूरा नाम मालूम क्या है उसका, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों से युक्त द्रव्य, ये उसका नाम है। कौन से क्षणिक उपादान नंबर 1 का, और क्षणिक उपादान नंबर का नाम क्या है, अनंतर उत्तरवर्ती पर्यायों का वो कार्य है। व्यय तो पूर्ववर्ती पर्यायों का तो व्यय हो रहा, तो कहते व्यय थोड़ी कारण होता है, असली कारण ये कहाँ रहा। राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनने का कारण क्या था, तो कहेंगे इंदिरा गांधी की मौत। तो कौन सा हुआ ये कारण, अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का व्यय, समझ गया ना, कि वो नहीं मरती तो वो कैसे होता। अरे जो मर गई उसको कारण बता रहे, उसने तो बता ही नहीं, कही नहीं था कैसे बना दो, वो तो कही नहीं पाई। तो क्या है, तो विधि प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया संपन्न होगी ही होगी। कोई बच्चा पैदा होगा तो 9 महीने जो पहले से प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया संपन्न होगी, तब वो बच्चा पैदा होगा। तो कब होगा, तो काल का नियामक कौन है, तत्समय की योग्यता, कि जिस काल में वो पर्याय होनी होगी वो उसी काल में होगी। तो वो तो भाई अकेला उसी काल में होगी, बाकी सब साइलेंट पड़ा रहता होगा। साधारण बात नहीं समझना इसको, तो मैं बता रहा हूँ। वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला है ना, मान लो कि असंख्यात पर्याय हैं, तो वे पर्यायों में प्रत्येक की किस समय क्या होने की जो योग्यता है वो पर्याय हो रही है, और जिसके व्यय होने की योग्यता है उसका व्यय हो रहा, वो तत्समय की योग्यता भी जब आए जब नहीं आएगी, प्रति समय है, लेकिन किस कार्य की, जिस कार्य की है उस कार्य की है। वो मिट्टी का पिंड रूप बनी थी तो उस समय उसे पिंड रूप बनने की योग्यता थी, फिर उसके कई आकार हैं, पिंड कुशूल क्या क्या लिखे उसमें हैं, तो वे एक एक समय में एक एक समय की पर्याय की योग्यता थी। तो वे काल के नियामक है कि इस समय ही कार्य होगा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा काम है, वो तुम नहीं कर पाओगे, मैंने वहाँ माथा मत मारो तो फिर हमारा काम ही रुक जाएगा, यानी ऑटोमेटिक होगा।
हैं, तो फिर हमारा उपयोग उधर जाए तो हुक्म देंगे क्या करना कि जान लेना और क्या करना है? तो जान लेना कि और क्या करना बस, और नहीं हो पाए तो जान लेना कि नहीं होना होगा इस वक्त। तीन चीजें हो गई ना, कौन कौन सी? काम इसमें से ही होगा, दूसरी चीज में नहीं होगा, इसी प्रक्रिया से होगा, अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला होगा, पहले पहले की पर्याय जाएगी, आगे आगे की पर्याय आएगी, और क्या फिर जिस समय जो पर्याय होने की योग्यता होगी उस समय वो ही पर्याय होगी। ये तीन उपादान हो गए। तो काल की नियामक है तत्समय की योग्यता, और विधि की नियामक है, विधि माने पुरुषार्थ, अनंत पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला, और किसमें होगी इसके नियामक है त्रिकाली उपादान। उनमें तो परद्रव्य है कि जब जब अंदर में ऐसा यहाँ होगा तो वहाँ क्या होगा, कि जब जब उस लड़का लड़की की शादी होनी होगी, इस लड़के की इस लड़की से शादी होना, इस लड़की की इस लड़के से शादी होना, सब नक्की है, तो ये सब होगा, सब अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला भी होगा, तत्समय की योग्यता भी होगी, वो किन की होगी वो भी होगी ना नक्की, तो फिर बाहर क्या होगा कि बाजे बजेंगे मैंने वो निमित्त में क्या होगा कि बाजे बजेंगे और क्या होगा ये आत्मा के कल्याण का कार्य भी ऐसा ही है। ये मुनिराज अंदर में शुद्धोपयोग में गए और उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वो कैसे हुआ आप समझ में आई ना आपकी में? ये सारी प्रक्रिया यहाँ संपन्न होगी। ये तो अध्यात्म वालों की रखा है निमित्त उपादान है, अब कर्णान योग वालों की अलग अलग के हैं निमित्त उपादान, तो वे कहेंगे इतनी प्रकृतियों में बंध विच्छुति होगी, इसमें जी होगा, इसमें जी होगा, इसमें जी होगा, इसका अपसरण होगा, इसका क्या क्या होते हुए सब होंगे, तो वे ये सब बताएंगे। क्यों? पहले अधाकरण में जाएगा, फिर अपूर्वकरण में जाएगा, फिर अनवृत्तिकरण में जाएगा। तो क्या है ये अधापूर्वकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण? क्यों? जब ऊपर के परिणाम नीचे के परिणामों से मिल जाए उसे अधाकरण, कैसे परिणाम मिल जाए? क्या है, समझते हो कुछ? मैं समझा था एक सेकंड में, समझना वो तेजी से जो परिणामों की दौड़ने की तेजी का नाम है वो, कि वो जो परिणाम जब वो करण लब्धि आरंभ होगी और उससे वो सम्यक दर्शन होगा, तो करण लब्धि के अंत में, अंत के बाद भी एक समय बाद और इधर से शुरू होगा, तो इसमें असंख्य समय हैं, तो असंख्य समय परिणाम जिस तेजी से आत्मा की ओर बढ़ेंगे उस तेजी में कितनी तेज होगी कि फिर 100 मील की रफ्तार से चलेगी गाड़ी, फिर 150 मील की रफ्तार से चलेगी, फिर और तेज चलेगी जितने तक जाएगी, फिर धीरे धीरे मंद हो जाएगी, फिर उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, घाटी आएगी, तो इतनी रह जाएगी। आप समझ गए ना? वो है कि उनने नाप के बताया है क्या, कि जब दो आदमी एक साथ दौड़ेंगे, उदाहरण के लिए दो तो एक साथ दौड़े नहीं, दौड़े क्या करें, लेकिन दौड़ेंगे तो पीछे वाला आगे वाले का साथ पाले, माने दो व्यक्तियों में चाल में इतना अंतर हो सकता है कि पिछले वाला अगले वाले की का साथ पाले, तो उसे बोलते अधा प्रवृत्ति। अधा माने पीछे वाला, उसमें प्रवृत्ति करे, माने इन दोनों की प्रवृत्ति आगे पीछे शुरू हुआ था काम क्या, लेकिन वो आगे साथ में आ गए, लेकिन जब फिर इतनी तेज चाल हो जाएगी कि पीछे वाला कभी साथ पा ही नहीं सकता, वो अपूर्व करण हो गया, फिर भी दो दीवों के परिणामों में अंतर रह सकता है, थोड़ा एक पीछे थोड़ा एक आगे, लेकिन पीछे वाला साथ नहीं पाएगा। और फिर अनवृत्तिकरण के दो आदमी ने एक साथ शुरू किया तो दोनों की बिल्कुल एक सी ही चाल होगी, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा, इतनी तेज होगी कि जिससे तेज हो ही नहीं सकती, उसका नाम अनवृत्तिकरण। अब ये परिणाम
परिणामों का नाप बता रहे। अभी उस करण लब्धि वाले को तेज दौड़ करनी पड़ेगी ना, अरे उसके तो उपयोग में भी नहीं होगी, उसके तो ज्ञान का गेय भी नहीं बनेगी। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने बता दिया है, इसलिए हमें इतना पता है। तो उसे चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, वो तो अपने जाकर के संबंध से प्राप्त करके चला जाएगा। ये पता होना जरूरी नहीं है कि इतनी संदिष्टि और ऐसी उससे बनाई इसे। ये तो उसकी सिर्फ तेजी की चाल और बेबी परस्पर में अनुपात में कि दो के जीवों में कैसे कितना फर्क पड़ता है, इसकी बात है। अकर्ता स्वभाव पर जाना है हमें, तो संपूर्ण कर्तृत्व के भार से मुक्त हो जाएगा। तो अभी हम क्या कहते हैं, मुनिराज हो गए हमारे, समझे, मुनिराज गए तो बेचारे फिर जब ये प्रतिमा ली तो ये करना पड़ेगा, फिर ये ली तो ये करना पड़ेगा, फिर नग्न दिगंबर हो जाएंगे तो कपड़े खोलना पड़ेंगे, फिर ये करना करना करना, ये करना करना नहीं होता है, नहीं करना करना, फिर एक करना छूट जाएगा, फिर एक करना छूट जाएगा, फिर एक करना छूट जाएगा, फिर एक करना करने के विकल्प छूट जाएंगे, करता तो है ही नहीं। फिर अंत में जब केवल ज्ञान होगा तो अंतर्मुखता क्या करेगा, शुद्ध उपयोग करेगा, आत्मा के सन्मुख प्रणाम करेगा, अंदर में समा जाएगा। इतनी भाषा दे दो, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सहज हो जाना है, बिल्कुल कर्तृत्व के भार से बिल्कुल मुक्त हो जाना है, कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं होगा उसका नाम शुद्धोपयोग है। बोलो कौन से शास्त्र में मिलेगा, समझना हो तो ये पंडित हुकुमचंद के शास्त्र में मिलेगा। पेज नंबर पूछोगे तो तुम्हें समझना नहीं है, लेकिन जाओ पेज खोजो, तुम कहाँ मिलता है खोज लेना, मिल जाए कहीं तो ढूंढ लेना, मान लेना हमारी सच्ची, और नहीं मिले तो नहीं मानना, और क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में और है क्या। दंड बड़ो करतार को चित दे दियो उतार, समझ में क्या अर्थ है इसका, कौन जानता है इसका अर्थ, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। फिर बोलता हूँ, दंड बड़ो करतार को चितते दियो उतार, एक हाथ उठा है, वो विद्यार्थियों में नहीं है, जो गुणस्थान अतीत में है वो तो गुणस्थानों से पार हो गया, जो क्यों कि तुम हमारी चित्त की गद्दी पे बैठे हो। अब तुमने कोई नालायकी करी तो हमें तुम्हें सजा देनी चाहिए ना, सजा दें तो सबसे बड़ी सजा क्या है कि हमने चित्त की गद्दी पे से तुम्हें उतार दिया। जो हमारे चित्त में तुम्हारी महिमा जम रही थी ना, वो हमने खलास हो गई, खत्म हो गई। बस ये सबसे बड़ा दंड है, दंड बड़ो करतार को वो चित्ते दियो उतार, इसको समझते ही नहीं है लोग। साहब आप तुम ऐसा करोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, तो नाराज हो जान दो, हो जान दो नहीं, वो चित्त की गद्दी पे से तुम उतर जाओगे बेटा। तुमने अपनी इतनी मेहनत करी, अच्छी पढ़ाई करी, इतने अच्छे अच्छे नंबर लाए, तो तुम कैसे उनकी चित्त की गद्दी पे बैठ गए थे, कितना बढ़िया स्थान तुमने बना लिया था, कितनी बढ़िया जगह उन्हें मिल गई थी तुम्हारे लिए, और अब वो उसमें से तुम्हें उतार दिया है। ये सबसे बड़ा दंड है, जो हमें दंड ही जैसा नहीं लगता है, क्योंकि और तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। दंड बड़ो करतार को वो चित्ते दियो उतार, हम चित्त की गद्दी से हमने उतार दिया। जो नेता लोग उतर जाते हैं ना गद्दी से, उसका क्या मतलब है, जनता की चित्त की गद्दी से उतर गए, इसलिए उनने वोट नहीं दिया, इसलिए वे नेता नहीं बने, उनकी चित्त की गद्दी पर सवार हो गए, सबने वोट दे दिया तो नेता बन गए। आप समझ गए, उनको क्या देना, एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, और उनसे उनके वोट से बनते हैं। अब ऐसे काम करते हैं वो
कि जिससे वो उनकी जिंदगी गद्दी पर सवार। देखो भाई, काम तो एक मोदी का है, क्या किया, बहुत बढ़िया किया, मैं तो वोट उसी को दूंगी। ये कार गिनाओ तो कच्चा बने, उसने जाके सर जितने आतंकवादी पाकिस्तानी हैं सबको मार दिया, सबको ऑर्डर दे दिया कि मार दो, कह दिया कि बम फिर अणु बम फेंक दो, बस उसने कुछ नहीं किया, बस कह दिया एक भाषण में ऐसा। और तुम हिंसा तुम्हें प्रिय है, तुम्हें पाकिस्तान से द्वेष है, उसने कह दिया, तुम वो तुम्हारी जिंदगी गद्दी पर चढ़ गया, कह दिया, क्या भला किया देश का। लड़ाई शुरू हो जाएगी ना तो अरबों रुपया रोज खर्च होता है। ये तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है ना, ये 10 दिन लड़ाई झेलने लायक नहीं है, फिर जमीन पे आ जाओगे, फिर अमेरिका से कर्जा मांगोगे, फिर इससे कर्जा मांगोगे, उससे कर्जा, समझे ना, ये हालत हो जाएगी। तुम ये खेल समझ रहे हो, हैं? उनसे पूछा सेनापतियों से तो वे कह देते हैं हमारे पास सिर्फ 8 दिन का गोला बारूद है, लड़ाई लड़नी है, यदि चाइना से लड़ोगे तो 8 दिन में ख़त्म नहीं होगी, कम से कम 2 महीना तो लगेंगे, तो पहले 2 महीने के गोला बारूद का इंतजाम करो, समझ गए ना, तब सोचना, नहीं तो बातों बातों से लड़ते रहो। तब ये कहते ना कि उनसे पूछना चाहिए, सेनापति से पूछना चाहिए, समझना चाहिए, हैं, क्या क्या समझना है ना, ऐसा है। इसलिए ये बहुत विवेक का काम है, मेरे कहने का धर्म भी बहुत विवेक का बात है। तो अपने गाथा से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहले अपन पढ़ते हैं, कहाँ चल रहे थे, अन्य कारण से नहीं इसलिए मैं समस्त परद्रव्यों से मध्यस्थ होता हूँ। ये चित्त की गद्दी से उतारना है, ये मध्यस्थ हो गया ना, मैं समस्त परद्रव्यों से मध्यस्थ होता हूँ, मध्यस्थ होता हूँ, कहने नहीं छोड़ा तो नहीं, मध्यस्थ भय हैं। नेहरू जी ने इससे भी बढ़िया शब्द निकाला था, तुम्हें मालूम है क्या था, मैं मध्यस्थ नहीं होता हूँ, मध्यस्थ होऊंगा तो पिस जाऊंगा, तटस्थ होता हूँ, समझना है मालूम। भारत की जो नीति थी, विदेश नीति, वो मध्यस्थता की नहीं थी शांति जी, तटस्थता की थी। क्या मतलब, कि यदि रूस और अमेरिका लड़ेंगे तो मैं मध्यस्थ नहीं बनूंगा, मैं तटस्थ बनूंगा, मैं किनारे पर खड़ा रहूंगा, किनारे पर खड़ा खड़ा देखूंगा, जाता दिशता रहूंगा कि नहीं लड़ रहा है, क्या करूँगा, मैं उनकी लड़ाई में साथ नहीं दूंगा किसी का। तटस्थ का मतलब समझे ना, ये मध्यस्थ होता हूँ का अर्थ तटस्थ करो, तुझे मध्यस्थ नहीं, समझ गए ना, नहीं मध्यस्थ का तो मतलब है थोड़ा तू ऐसा कर दे, मैं मध्यस्थता करूँगा, थोड़ा तू झुक जा, थोड़ा तू झुके, नहीं नहीं तुम खूब लड़ो, आराम से लड़ो। वो हुए थे ना श्री कृष्ण के भाई बलदेव, वे तटस्थ हुए थे, श्री कृष्ण हुए थे मध्यस्थ, किनकी, कौरव और पांडवों की लड़ाई में श्री कृष्ण हुए थे मध्यस्थ और बलदेव हुए थे तटस्थ, समझ में आ गया अंतर दोनों का। वो कहते थे कि मैं जाऊंगा और बीच बचाव करूंगा, समझाऊंगा दोनों को, ये हुआ मध्यस्थ होना। वे कहते मुझे जाने ही नहीं, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, हैं, जब समाचार जब तुम मरमरा जाओगे ना सब, तब मैं समाचार सुन लूँगा, हैं, जान लूँगा क्या हुआ। तटस्थ ऐसा इसका अर्थ तटस्थ करो, इस प्रकार तटस्थ होता हुआ मैं परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन न होने से शुभाशुभ रूप अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर, इस तरह से अशुद्धोपयोग से मुक्त होगा, मैं तटस्थ हो जाऊँ, समझ गए ना। अब अशुद्धोपयोग से बचने का उपाय क्या है, कि वो पाप से हटाना, पुण्य से हटाना, हो अंदर अंदर ले जाना, अंदर अंदर कहीं नहीं कुछ ले जाना है, आप समझ, कुछ नहीं, शांत, तुम्हें शांत होना है, अपने चित्त को शांत करना है, बस। मुनिराज क्या करते हैं, वो चोटी वगैरह क्या करते होंगे कि आत्मा का ध्यान, हमें नहीं ऐसे नहीं, आत्मा का ध्यान हमारी समझ में नहीं आता, तुम तो समझाओ क्या करना करते होंगे।
जरूरी नहीं है टोटा मल जी कहते हैं आत्मा ही उनके ज्ञान का ध्येय बने, उपयोग शुद्ध हो जाए, पूरी वितराग परिणति हो जाए और आत्मा ज्ञान का ध्येय नहीं बने, आता ना बदल गए, वितरागता होना जरूरी है उसके लिए। स्टार्टिंग आत्मज्ञान से होता है, समझिए ना। अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणति को ग्रहण करने से शुद्धोपयोगी होता हुआ, देखो स्वद्रव्य के अनुसार परिणति को ग्रहण करना माने बस अपने द्रव्य के आश्रय से परिणति हो गए, सहज भाव से होता हुआ निज स्वरूप में आत्मा में ही सदा निश्चल रूप से उपयुक्त रहता हूँ, बस मैं उसमें ही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, बस सहज भाव से। यानी यदि कोई किसी को मार डालेगा तो कहाँ कुछ, ये तो बहुत जैन धर्म तो बहुत खराब है। अरे कोई वहाँ कुत्ता बिल्ली को मार रहा हो तो तुम अपने अपने ऐसे ऐसे देखते रहो, ऐसे देखते रहोगे, हाँ हाँ ऐसे देखते रहेंगे, किसी को जचेगा नहीं जचेगा। लेकिन वो कहते हैं कि जंगल में बैठा हूँ, जीवम जीवस्य भूषणम, जीव का जीव भोजन है, एक जीव दूसरे जीव के प्रति भाग ही रहा है क्योंकि रोजाना किसी को मार के खाना है उसे। अब मैं रोजाना कितनों के पीछे दौड़ता फिरूंगा, समझ में आई ना। देखो नहीं कि देखो कैसे नहीं, जब आंखें खुली हैं रास्ता चलूंगा तो देखने के नहीं चलूंगा, दिखाई तो देंगे ही ना, ऐसे चारों तरफ वातावरण में दिखाई तो देंगे ही ना, एक जीव दूसरे जीव को खाते हुए। अभी तुम कुत्ते बिल्ली की छोड़ो, ये छिपकली यहाँ बैठेगी, यहाँ कीड़े हैं और फटाफट खाएगी, बता लेना घर से क्या करते हो तुम, लाइट बंद कर देंगे। लाइट बंद करने से क्या होगा, तुमको दिखना बंद होगा, उस छिपकली का उस कीड़े को मार के खाना बंद थोड़ी होगा, समझ में आई ना। तो अपनी आँख पर पट्टी बांधना हो गया ना, हम ऐसे कहाँ कर सकते। वो मुनिराज जंगल में शहर में नहीं, तो शहर बताओ, घर बसाओ, फिर सब, फिर कोई जीव को अंदर नहीं आने दो, फिर खिड़की शाम से बंद, मच्छर बंद, फिर वो दवाई लाओ मच्छरों को बेहोश करने की, फिर डी छिड़कवाओ, फिर इस चक्कर में पड़ जाओ। और फिर अच्छा अब तुम्हें पता ही भी पड़ गया तो अब क्या करें, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ लिया, अब क्या करें, छोड़ा दें, कुत्ते को डंडा मारो। और वो ऐसी गृद्धता वाला होता है कि मर जाए लेकिन नहीं छोड़े, बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है ना तो कितना ही पीटो तुम, उसकी जान चली जाए वो छोड़ेगी नहीं, लेके जाएगी। तो फिर अब तुम कुत्ते की हत्या करो, बिल्ली की हत्या करो, ऐसे बचाने की प्रक्रिया ऐसी होती है। तो फिर तुमने हत्याएं शुरू कर दी, सब लिखा है ना काय में पुरुषा सिद्धि उपाय में, कि इस शेर को इसलिए मार देना क्योंकि रोजीना 100 जीवों को ये मार के डालता है, तो 100 जीवों को जो मार डाले उसको मार डालना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे तुम 100 शेरों को मार डालोगे फिर तो तुम्हें मार डालना चाहिए ना, ऐसे लिखा है पुरुषा सिद्धि उपाय में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वही तो नियम है। तो फिर क्या, बहुत कहने में अच्छा नहीं लगता है, चित्त में तरंग नहीं उठे, क्या देखकर, कोई किसी को मार रहा है खा रहा है, अब वो मार के ले के जाकर वहाँ भोजनालय में थोड़ी खाएगा, वो तो वहीं बैठ के चीरने लग जाएगा, फाड़ने लग जाएगा और खाने लग जाएगा। अब तुम भगना हो तो भगो, नहीं भगना हो तो नहीं भगो, बैठो देखे तरह कि हम तो भग जाएंगे, वहाँ से उठ जाएंगे, तो जहाँ जाओगे वहाँ दूसरे को मार के वहाँ खा रहा होगा, कहाँ जाओगे भग के। समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या है धर्म का स्वरूप। तुम धर्मात्मा बन जाओगे, तुम मुनि बन जाओगे, तो तुमने जा तो हमने सोची ही नहीं थी है? कि हम क्या करेंगे, ख्याल नहीं ना। जंगल में तो यही कानून है ना,
यही स्वरूप है ना, यही वस्तु है ना। तुम जब जंगल में बैठे, सब प्योर जंगल में बैठ गए, चारों तरफ कोई किवाड़ नहीं थे, कोई दीवार नहीं थी, तो अब तो सारे पशु पक्षी वहीं घूमेंगे फिरेंगे ना, और तुम तो पत्थर जैसे बन के बैठोगे, हिलोगे नहीं। वैसे भी नहीं हिलना चाहिए, क्यों? करवट नहीं बदलते हैं। घूमाई पिछली रैन में, क्यों करें? करवट बदलने तो क्या बिगड़ता है? जब हम करवट बदलेंगे तो इधर जहां जहां हमारी करवट नहीं है ना, तो वहां बहुत से जीव चल रहे होंगे, तो हम करवट बदलेंगे तो बेजीव मर जाएंगे। नहीं, करवट नहीं बदल सकते। यदि करवट बदलना हो मुनिराज को दिन में तो बदल सकते, हाँ दिन में बदल सकते, तो पहले उठ के बैठें, किसी उठाएं, फिर उधर से पूरी जगह साफ करें, कोई जीव जंतु नहीं रहे, फिर ऐसी अपनी पीठ साफ करें। क्यों? इधर कोई चिंटी मिंटी चल रही हो तो, इधर इसमें मक्खी बैठी हो तो, हम लेटेंगे तो वो दब जाएगी, वो मर जाएगी। फिर देख के शांति से एक करवट बदलने में 5-7 मिनट लग जाए, और रात्रि में अंधेरा है तो नहीं बदल सकते, क्योंकि अंधेरे में जीव जंतु दिखेंगे ही नहीं। भूमाई पिछली रैन में कछु सहन एक आसन करें, तो यह है। इसलिए तो इतनी सी नींद में काम चल जाता होगा, तो मुनिराज हैं तो निद्रा दसना बनी कर्म का उदय भी कमजोरी होगा, उन्हें कम ही नींद आएगी, ज्यादा नींद नहीं आएगी उन्हें। इसलिए जितनी लिखी है छठवें सातवें गुण स्नान में, उससे ज्यादा नींद नहीं आती है। तो ये वस्तु के स्वरूप में बहुत बहुत गहराई है। इस प्रकार शुभाशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग से मुक्त होकर, शुद्धोपयोगी होता हुआ पुण्य पाप से मुक्त होकर, मैं निजात्मा में निश्चल होता हूँ, क्योंकि अशुद्धोपयोग के विनाश का एकमात्र यही उपाय है, उसके लिए कुछ नहीं करना ये उपाय है। तो सीधी सच्ची बात है कि राग द्वेष का होना वो अशुद्धोपयोग है। अब अशुद्धोपयोग नहीं करना है तो राग द्वेष मत करो, तो राग द्वेष कैसे नहीं होगा? तुम जब बिल्कुल उसके प्रति उपेक्षित भाव होगा तुम्हारा, मतलब सहज ज्ञाताधिष्ठा भाव होगा, तभी वो राग द्वेष खत्म होंगे, तभी वो तुम्हारा अशुद्धोपयोग नाश होगा, अशुद्धोपयोग होगा। ये मार्ग है। अब अगली गाथा 160वीं कल पढ़ेंगे, 60वीं 61वीं।